Hey guys, what's up? I am Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज हमारा टॉपिक है स्किल कोर्स. मेरे पास अगर मैं बोलूँगा डेली मेरे पास अराउंड 100 to 200 मैसेज आते हैं डेली. 100 मैसेज मिनिमम आते हैं मेरे फेसबुक पर डेली, व्हाट्सएप के अलावा, राइट. सो ये 100 मैसेज में से कम 60 मैसेज क्या होते हैं आपका, यही होता है स्किल कोर्स. कि सर कौन सा कोर्स करें बताओ. तो आज मैं सोचा कि चलो डेली आंसर देने से बेटर है एक वीडियो बनाता हूँ ढंग से, ताकि आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं इस वीडियो के जरिए आपको दे दूँ, राइट. कम से कम ये 70 मैसेज मेरे पास डेली नहीं आएगा. सो अब स्किल बेस्ड कोर्स की बात करेंगे. देखिए हर ब्रांच से, और आप अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तब भी ये एप्लीकेबल होगा जो नॉलेज देने वाला हूँ, या फिर आप बीटेक कर रखे हैं, या फिर कोई भी और आपने कोर्स कर रखा है, मतलब वैसे डिग्री वाला कोर्स कर रखा है, उसके बाद आप जानना चाहते हैं कौन सा कोर्स मुझे करना चाहिए, स्किल कोर्स करना चाहिए जिससे मेरा नौकरी लग जाएगा. और फिर मेरे को और एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऐसे मुझे एक इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जो मेरा नौकरी लगवा दे. तो यहाँ पर थोड़ा सा कड़वा है लेकिन ट्रूथ है, आपको बताना चाहूँगा, लिख के बताना चाहूँगा, ट्रूथ है बट कड़वा है, ख़राब लगेगा सुन के, बट सच्चाई है मेरे भैया. क्या बोला मैंने यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, बस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बस यही है. सारे बोलेंगे उनसे पूछोगे ना हम प्लेसमेंट करवा देंगे, लेकिन है ही नहीं. ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे मार्केट का अच्छे से पता है क्या चल रहा है मार्केट में. ये स्किल जो कोर्स है, आप अराउंड 80% जो इंस्टीट्यूट मुझे लगता है वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, थोड़ा भी एग्जिस्ट नहीं करता है. 20% होंगे और वो भी वेरी करता है, इस महीना है नेक्स्ट मंथ नहीं है, डिपेंड करता है उनके कॉन्टैक्ट्स कितने स्ट्रांग है, वो शायद करवा सकते हैं. और ये 20% को आप नेट से पता नहीं कर सकते हो, आपको खुद जाना होगा, खुद रिसर्च करना होगा, खुद पूछना होगा, खुद थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, तभी आपको थोड़ा बेटर मिल सकता है, जिससे आपका जो मेन मोटो है मुझे जॉब मिल जाए वो शायद फुलफिल हो जाए, राइट. ये सच्चाई है. अब गाइस आपसे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्किल कोर्स कब मुझे करना चाहिए. आजकल क्या होता है, बीटेक कंपनी होता है, डिप्लोमा कंपनी, तब बोलते हैं कि मैं स्किल कोर्स करूंगा आफ्टर बीटेक. नहीं, स्किल कोर्स अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं बिफोर बीटेक, मेरे भैया फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो भाई साहब आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. जो भी कोर्स मिलता है ना स्किल वाले कोर्स, लपेट के कर लो, चाहे ऑटो कैड है, चाहे आपके पास कोई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, कोई आपका लैब मेट लैब वगैरह है, जो भी मिलता है आप कर लो कोर्स. क्यों, रीज़न बता रहा हूँ. मैं ऑटोकैड मुँह में पढ़ा था लेकिन मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, मैं मुझे पता नहीं था ऑटोकैड के बारे में. अराउंड 80% to 85% मुझे नॉलेज था ऑटोकैड का, अब तो बहुत कमांड मैं भूल गया हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से, राइट. लेकिन मेरे पास ऑटोकैड का आए दिन कम से कम एक महीने में एक दो ऑफर आता है एज ए ट्रेनर, या फिर कहीं एज ए कंसल्टेंट का ऑफर आता है. क्यों आता है, बिकॉज मेरा एक कोर्स है यूडीमी में, राइट. और उसमें मेरा जो कोर्स का रेटिंग है 4.2 है आउट ऑफ 5, राइट. और उसमें मेरे पास 6000 प्लस स्टूडेंट्स हैं फिलहाल 3 ईयर्स में आसपास है, राइट. तो इससे मेरे पास क्या आता है, वो ये आता है, मतलब मेरे पास वो कॉल करते हैं या फिर वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मेल करते हैं, जो भी है फेसबुक पर मैसेज भेजते हैं कि सर हमें आपको चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, सर मना करता हूं उनको. सो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप स्किल कोर्स कब करिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तब भी करिए स्किल वाला कोर्स, तब आप कर सकते हैं. कोई भी कर लो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, आपकी मर्जी, जितना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं. ये तो हो गया जी पहला. जब आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, अगर आप जॉब के लिए स्किल कोर्स कर रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं आप. क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है. देखिए जॉब के लिए कोर्स करना चाह रहे हैं ना, पहले आप ट्राई करें जॉब के लिए, ट्राई करना है. अब आजकल स्टूडेंट क्या ट्राई करते हैं, सच बोलेंगे भाई साहब, झूठ नहीं बोलेंगे, और एक कड़वा है, खराब लगेगा बहुतों को मुझे पता है, लेकिन सच है. नेट पर मैसेज भेजते हैं, बोले कि हमें जॉब मिलेगा, मैकेनिकल नहीं मिलेगा मेरे भैया, ये नेट से सिर्फ आईटी का मिल सकता है आपको, यू कैन गेट ओनली आईटी जॉब. कैन बोल रहा हूँ, फिर मैकेनिकल का 10% भी चांस नहीं है, 2 to 3% है, और उनको मिलता है जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, और 0.1% है कि फ्रेशर को शायद दे दें वो,
अगर आप इसमें इतना एक्सेप्शनल हो तो मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं एवरेज बेयर की बात करूंगा। मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, भाई जॉब दे दो, उसके बाद रिज्यूम भेजेंगे, जॉब दे रहे हो, फिर बोलते हैं क्या एक महीने बाद या दस दिन बाद क्या बोलते हैं, आफ्टर 10 डेज बोलते हैं मैंने बहुत ट्राई किया जी नौकरी नहीं मिल रहा है। ये ट्राई नहीं करा आपने, ये एक तरह का टाइम पास करा आपने। ट्राई करना मतलब क्या था आपको समझाऊंगा, जो मेरा एक मैं बोलूँगा मेरे जूनियर एक करा था ट्राई, क्या ट्राई होता है जॉब करने का मैं बताऊंगा। आज अच्छे जगह पर हुए और उसका आई थिंक 60-65,000 सैलरी है पर मंथ, उसको ट्राई बोलते हैं। और वो ट्राई कैसे करना आपको बताऊंगा। फिलहाल वो अहमदाबाद में है आई थिंक सो, इतना मुझे याद है, और उस कंपनी के थ्रू से वो काफ़ी जो कंट्रीज है घूम के भी आ चुका है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, 3-4 कंट्री जो जा ही चुका है। तो उसने जो ट्राई किया आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है और उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। वो बिलोंग करता है बेसिकली हरियाणा के जगह से। तो उसने क्या करा देखिए, बता रहा हूँ, उसे घर में ऐसे बैठा था, वो भी वही कर रहा था जो आपको बताया टाइम पास, राइट। एक तरह का टाइम पास ही है, नेट पे भेज रहे हैं भाई जॉब दिला दो, ऐसा कोई नहीं दिलाएगा आपको, राइट। खराब बुरा मत मानना, बिकॉज सच है मेरे भाई, बुरा मानोगे तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ ले लो, लपेट लो इसको, इससे नौकरी मिलता है। बिकॉज मेरे जो जूनियर था उसको मिला है, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी मेरे को बोलते हैं कि सर मुझे मिला है। ये पहले करना है स्किल कोर्स से पहले, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, राइट, या फिर आपके पास टाइम, खाली स्किल कोर्स के भरोसे नहीं बैठना है आपको, पास आउट हो चुके हैं आप, क्या करना है। उसने क्या करा, चुपचाप घर से निकला जहाँ पर कंपनीज हैं, उसके घर के पास कंपनीज कहाँ पर आपको बताया था, वो लकी था कि घर के पास ही कंपनीज था। धारूहेड़ा जगह पड़ता है, एक धारूहेड़ा, ये हरियाणा में जगह पड़ता है रेवाड़ी के पास, और रेवाड़ी और गुड़गांव के बीच में पड़ता है, गुरुग्राम के बीच में पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं। वो वहाँ पर गया, सुबह निकलता है खा पी के, रात को आता है जॉब ढूंढ के, हर जगह ट्राई मारता है जहाँ पर वैकेंसी बन सकता है, हर जगह पूछता है, हर जगह ट्राई करता है। बोले भाई पसीने पूछ पूछ थक गया था, और उसने ऐसा कितना दिन ट्राई करा भैया, 1 मंथ डेली सुबह निकलता और शाम को आता, पता करके जॉब कहाँ वैकेंसी है कहाँ नहीं है, हर कंपनी में जाता। तो उसमें लगभग 80 कंपनीज में विजिट करा था उसने, 80 कंपनीज। उसके बाद एक कंपनी में फाइनली उसको नौकरी मिल गया, आई थिंक वो कोई जापानीज कंपनी या कोई और कंपनी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने कुछ बताया था मेरे को, वहाँ पर उसको जॉब मिला, राइट। 80 कंपनी से विजिट किया था फिजिकली, 1 by 1 बोलते थे भाई साहब बहुत जगह पर तो भगा देते हैं सिक्योरिटी गाड़ी, जॉब नहीं है जाओ, मतलब कोई बात नहीं मेरे को तो एक जॉब चाहिए, कौन सा 10 चाहिए। तो उसने 80 कंपनी विजिट करा एक महीने के अंदर, मतलब डेली 2-3 कंपनीज जाता, राइट। और उसने मेरे को भी बोला फर्जी बड़ा इतना कुछ चल रहा है इस फील्ड में, क्या बताऊँ। तो मैं डायरेक्ट कंपनी में था, वैकेंसी ये बताओ मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं जॉब के लिए तैयार हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने ये मेरा डिग्री है। तो उसको एक जगह नौकरी मिला, उसने वहाँ पर काम करा, अच्छा मेहनत करा उसने जाके वहाँ पर, सैलरी इनिशियल सैलरी नहीं देखा। जो नए नए बच्चे होते हैं मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, मेरा सैलरी तो 10,000 है मैं क्यों काम करूँ। मेरे भैया अगर काम नहीं करोगे 10,000 सैलरी रह जाएगा, 20,000 नहीं होने वाला है, काम करोगे तो 20,000, मतलब 10,000 सैलरी है आप काम कर दो 20,000 का, आपका सैलरी 20,000 हो जाएगा, 20,000 सैलरी आप 40,000 काम कर दो आपका सैलरी 40,000 हो जाएगा कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद मतलब कल नहीं होने वाला है, कम से कम 1-2 साल तो लगेगा ना, इट टेक्स टाइम माय डियर, आप समझते हैं आई होप सो। बहुत साल लगते हैं किस चीज़ में आपको एक्सपर्टीज गेन करने के लिए, और आप जब तक एक्सपर्टीज गेन नहीं करेंगे तो आपको, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपको पैसे देंगे, राइट। आप भी देखते हैं ना, ये अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, तो आप जो काम करेंगे तो लोग भी आपको ऐसे देखेंगे, आप बेकार हो, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे लोग बोलेंगे, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है, आप सिर्फ इसमें बुरा वाली बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है, आपको उस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। लोहा को चक्कू में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ता है, ठोकना पड़ता है। अगर किसी को ठोकर नहीं, चक्कू में नाइफ में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, तो आपको ठुका ही खाना पड़ेगा तभी आप कन्वर्ट हो जाएंगे टेढ़ तराज नाइफ की तरह अपने काप में, राइट। सो जितनी जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिस लेना। अगर मान लो आपने ऐसे आपने ट्राई कहाँ करना है, कम से कम 3 cities में करना है, मतलब 2 months डेली सुबह निकलना है और शाम को आना है, ऐसे ट्राई तो करो, कहाँ नौकरी मिले देखूंगा मैं, नौकरी मिलेगा आपको। अगर फिर भी नहीं मिला, मान लो चलो भाई सिचुएशन वर्स्ट है, तो आपको क्या करना है आपको बताना चाहूँगा, आप क्या करिए स्किल का कोर्स कर लीजिए 3 months का। और यहाँ पर कोर्स में एडमिशन लें जैसा, ऐसा मत करना जैसे कॉलेज में करता है इन जनरल, हम छोड़ो देखी जाएगी कौन लेता है, टीचर घुसा उधर भाग गए हम, ऐसा मत करना। वहाँ पर जाके एक पर्पस आपका है, क्या है, जॉब लेना है आपको, तो जितना हो सकता है मैक्सिमम उसे इनपुट लो और साथ में कॉन्टैक्ट्स बनाओ ताकि जॉब लग जाए आपका,
एक कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है मेरे भाई। जॉब सिफारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है, आपको आपको पता लग जाए कहाँ वैकेंसी है, उस कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूँ। सिफारिश से एक दिन जॉब दे देगा आपको, दस दिन देगा, कौन सा आपको दस साल रख लेगा, नहीं रखेगा आपको। काम आएगा तभी रखेंगे लोग आपको, नहीं तो नहीं रखेंगे, भगा देंगे। क्यों, रीज़न क्या है भाई, वो पैसा कहाँ से लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुना, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरे पास एक दुकान है, सब्जी बेचने वाला दुकान, राइट। अगर मान लो आपको पता ही नहीं है सब्जी कौन सा है, कैसे बेचा जाता है, किन सर कितना रेट है कौन सब्जी का, मैं रखूंगा क्या आपको? दो दिन रख दिया लॉस हुआ, तीन दिन रख लिया, दस दिन रख लिया, क्या डेली लॉस रहूंगा मैं? ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं, सिमिलरली कंपनी में, राइट। तो ऐसे ही होता है मेरे भैया, तो वो सिफारिश भूल जाइए आप, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको अच्छे पोस्ट में रख दिया गया, तो आपके जो जूनियर है आपके मजाक उड़ाएंगे। ये आपको पता होगा ना, अरे इसको क्या आता है, इसको प्रेसिडेंट बना दिया, इसको प्रिंसिपल बना दिया, इसको डायरेक्टर बना दिया, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे के, ऐसा आपके साथ भी होगा। सो आप मन जाइए उस टाइम को देखने से पहले, आप फिर आगे बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाए आगे बढ़ने के लिए, राइट। और गाइस सिंपल सी बात है, सबका अलग अलग सोच है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो बहुत बड़ा मैटर करता है, लेकिन आप अपने आप को पहचानो अच्छे से, हवा हवाई बात नहीं, रियलिटी में पहचानो कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कमी सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, लेकिन आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको लेके जाओ आगे। जो चाहिए आपको लाइफ में ना, वो तो मिलेगा, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा जो आप सुनते हो। दिस इज द हार्ड कोर ट्रूथ, ये होता है, मेरे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, और मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ होता है जो ऐसे रास्ते पर चलते हैं, राइट। मैं बहुतों को जानता हूँ जो मेरे से बहुत बेटर पोजिशन पे हैं और इसी रास्ते पे चलते हैं। अगर आप भी साथ चलेंगे आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है मेरे भैया, आपको जो चाहिए ना तो मिलेगा, और प्लस छप्पड़ फाड़ के जो बोला मिलेगा वो भी मिलेगा। बस उस दिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस दिन के जो मैजिक मोमेंट है उसको देखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू वर्क टू सी दैट डे, तब होगा ये, राइट। ये मेरे साथ हो चुका है काफ़ी बार, काफ़ी बंदों के साथ हुआ है, तो आपके साथ भी हो सकता है, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर यू आर हैविंग समथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।